मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम पुलिस ने दबोचा फर्जी आईएएस। अपने आप को बताता था गृह मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी, कईयों को नौकरी का झांसा देकर ठगा। अब पुलिस जी खंगाल रही इस फर्जी की कुंडली। इसका नाम है रोशन पांडे, उम्र 31 साल, है फर्जी आईएएस अधिकारी और करता है ठगी का धंधा। बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर काम के सिलसिले में बिहार से आया दिल्ली और खुद ही बन गया आईएएस अधिकारी। जी हाँ, ये साहब अपने आप को एक आईएएस अधिकारी और गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी बताते हैं। ये रहता था दिल्ली के बुराड़ी में, किराए की कोठी में किराया देता था, लेकिन मकान मालिक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर पहले ही ठग लिए किराए के बदले पैसे। और भी कई लोगों को लगा दिया चुना, लेकिन अब अपनी पुलिस जी ने इसका फांडा फोड़ दिया। अपने आप को आईएएस अधिकारी बताने वाला ये शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिसे पुलिस एक दिन के रिमांड पर लेकर कर रही है पूछताछ। मूल रूप से बिहार के भागलपुर का रहने वाला रोशन पांडे बीकॉम तक पढ़ा है और पिछले करीब एक साल से दिल्ली के बुराड़ी इलाके में किराए के मकान में रहता था। वह आने जाने के लिए ओला उबर का प्रयोग करता था और सभी को बताता था कि वो एक आईएएस अधिकारी है। अधिकारी की तरह सुबह ही निकल जाता और देर रात लौटता तो कई लोग मिलने के लिए इंतजार करते मिलते, क्योंकि इसने कईयों को दे रखा था नौकरी दिलाने का झांसा। पुलिस की माने तो ये अब तक 10 से अधिक लोगों को आर्मी और डीआरडीओ में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की चपत लगा चुका है। फर्जी आईएएस की भनक पुलिस जी को जब लगी, जब गांव झाड़सा में किराए पर रहने वाले मूल रूप से झारखंड के रांची निवासी विकेश गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई। एचडीएफसी बैंक में नौकरी करने वाले गुप्ता के मुताबिक उनके साथ काम करने वाले प्रेम प्रसाद ने उन्हें कथित आईएएस अधिकारी रोशन पांडे से जनवरी में मिलवाया था। रोशन पांडे ने खुद को बिहार का रहने वाला बताया और बताया कि वर्तमान में वह गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी है। यकीन दिलाने के लिए उसने अपना गृह मंत्रालय का आई कार्ड भी दिखाया। विकेश गुप्ता झांसे में आए और नौकरी के नाम पर फर्जी आईएएस ने लगा दिया 84,000 रुपए का फटका। थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच और कर लिया फर्जी अधिकारी रोशन पांडे को गिरफ्तार, जिससे गृह मंत्रालय का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया है। ये नटवरलाल अब पुलिस रिमांड पर है। तो साहेबान, अपने आप को आईएएस अधिकारी बताने वाले इस नटवर लाल का तो कर दिया अपनी पुलिस जी ने पर्दाफाश, लेकिन अभी और भी बहुत हैं जो फर्जी मुखौटे पहनकर लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। अपने आसपास रखे ध्यान और रहिए जरा बच के। मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट न पाए।